तो की हाल चाल भाई और उनका बहनों, उम्मीद है तुम सब भरे होते हुए। तो चलो अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिस्ट्री का, जो कि एग्जाम में आने का चांसेस पक्का पक्का है। शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन से, जहां कहा गया कि देखो गांधी जी ने ना साल्ट मार्च को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया अंग्रेजों के खिलाफ। देखो सही मैं बता रहा हूँ, गांधी जी इज लाइक थॉर, और गांधी जी का जो हथौड़ा है ना, यानी कि थॉर का जो हथौड़ा था ना, वो है साल्ट मार्च। इस साल्ट मार्च से गांधी जी ने अंग्रेजों का बैंड बजा दिया भाई साहब। देखो गांधी जी को ये समझ आया कि नमक बहुत ही एक पावरफुल वेपन बन सकता है लोगों को यूनाइट करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो नमक हर किसी को चाहिए होता है, और ये नमक पे कुंडी मार के बैठा हुआ था अंग्रेज, जो कि गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि भाई साहब ये तेरे बाप का जागीर है क्या, हमारा जमीन हमारा नमक और बनाएगा तू, रुक अभी बताता हूँ मैं तुझे। तो गांधी जी ने क्या किया, एक लेटर लिखा उस समय के जो वाइस रॉय थे उन्हें, और उस लेटर पे 11 डिमांड्स रखा अपना कि ये डिमांड्स इन्हें पूरा करो। और उन 11 डिमांड्स में से एक डिमांड ये भी था, ये जो साल्ट के ऊपर टैक्स लगता है ना, इसे हटा दिया जाए, क्योंकि नमक एक बहुत ही कॉमन चीज़ है और बहुत ही इसेंशियल चीज़ है जो कि हमें चाहिए, उसके ऊपर टैक्स बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ऐसा गांधी जी का मानना था। चाहे तुम गरीब हो या चाहे तुम अमीर हो, चाहे तुम हर रोज़ बिरयानी खाते हो या सूखी दाल रोटी खाते हो, बट तुम्हें नमक तो चाहिए ना भाई। गरीबी हो अमीरी हो, नमक हम सबको चाहिए। बट वाइसरॉय इरविन ने गांधी जी का डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। अब गांधी जी के पास एक ही ऑप्शन था कि इस डिमांड को मनवाने का एक ही तरीका है, मैं करूंगा साल्ट मार्च। तो उन्होंने क्या किया, अपने आश्रम से 78 वॉलंटियर्स के साथ डांडी पहुंचे और वहां जाके नमक बनाया। और ये जो लॉ था ना कि अंग्रेज के सिवा कोई नमक को बना नहीं सकता, अंग्रेज बनाएंगे और उसके ऊपर टैक्स भी लगाएंगे, ये नियम को तोड़ दिया। और ये चीज़ जब गांधी जी ने किया ना, तो एक देश भर में इसके ऊपर एक लहर सा दौड़ गया कि हाँ गांधी जी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो इंडिया में तुम देखोगे हर एक जगह पे, जहाँ पे भी नमक बनता था ना, वहाँ पे ये जो लोग गए और नमक बनाया, और जो भी अंग्रेजों का रूल था उसे तोड़ते हुए दिखाया कि देखो हमारा ज़मीन हमारा चीज़, हम जो चाहे वो करेंगे, तुम हमें नहीं रोक सकते। अब देखो तुम्हारे सामने है अगला क्वेश्चन, जहाँ पूछा गया जो इंडिया के अंदर में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था ना, इसके अंदर जो इंडिया के मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे ना, उनका एटीट्यूड कैसा था। सिंपली बोलो तो देखो इंडिया के जो बिजनेसमैन थे ना, क्या वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट करते थे या नहीं करते थे? क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब ये था कि हम अंग्रेजों का कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्या ये बिजनेसमैन लोग इस चीज़ से एग्री थे या नहीं थे? तो देखो वर्ल्ड वॉर वन के बाद जितने भी बिजनेसमैन क्लास के लोग थे इंडिया के अंदर में, काफ़ी पैसा कमा चुके थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन पे इंडिया से कई सामान बाहर गया और पैसा कमाया उन्होंने, सीधी बात है। तो काफ़ी पावरफुल हो चुके थे वो लोग। बट अब क्या हो रहा था कि वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हो चुका था, तो बाहर से सामान अब इंडिया में आ रहा था, और इससे ना इन लोगों को लॉसेस हो रहा था, क्योंकि ये अपना बिजनेस बढ़ा नहीं पा रहे थे। तो सही में देखो तो इनके इंटरेस्ट पे भी नहीं था कि अंग्रेजों का सामान इंडिया पे आके बिके, क्योंकि अगर अंग्रेजों का सामान इंडिया पे आके बिकेगा तो ये कैसे बेचेंगे अपना सामान, सही बात। तो ये ना काफ़ी हद तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट करते थे। देखो मैंने यहाँ 5 पॉइंट तो लिखा है, बट मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन 3 या 2 मार्क्स से ज़्यादा आएगा। तो तुम सिंपली इतना बताना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वो काफ़ी पावरफुल हो चुके थे, क्योंकि काफ़ी सारा बिजनेस किया था उन्होंने वर्ल्ड वॉर वन के टाइम, तो पैसे वाले थे, पावरफुल थे, और साथ ही साथ ये उनके इंटरेस्ट पे भी था कि फॉरेन गुड्स जो है, यानी कि जो अंग्रेजों का सामान है, वो इंडिया पे आके ना बिके, ताकि वो अपना बिजनेस इंडिया पे कर पाए। तो इसीलिए उन्होंने ये चीज़ को माना, और फाइनेंशियली ये जो मूवमेंट चला इसे सपोर्ट भी किया। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने जो स्वराज का बात कहा था ना, आज़ादी, ठीक है, फ्रीडम, इसे आसाम के वर्कर्स ने किस तरीके से अपने लिए इंटरप्रेट किया, मतलब उनके हिसाब से आज़ादी स्वराज का मतलब क्या था? देखो तुमने केजीएफ तो देखा ही होगा, तो केजीएफ में काम करने वाले लोगों का हालत कैसा था तुमने देखा है, लिटरली दे आर लाइक स्लेव्स। तो ऐसा ही कुछ हालत था हमारे आसाम के टी प्लांट वर्कर्स के साथ। एक बार अगर तुम टी गार्डन में काम करने आ गए, तो तुम्हें तब तक काम करना पड़ेगा जब तक मैं ना कहूँ, मैं यानी इन द सेंस अंग्रेज, ठीक है। तो उनके लिए एक कानून बना हुआ था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। इसके अंदर में जितने भी प्लांटेशन वर्कर्स थे, वो बिना परमिशन के टी गार्डन को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते थे। तो उनके लिए आज़ादी का मतलब तो यही था कि हमें इस लॉ से आज़ादी चाहिए। और जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, स्वराज का बात चल रहा था, तो उन्होंने इस आइडिया जो स्वराज का, उसे बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया। और साथ ही साथ वो जहाँ भी काम करते थे, वो जगह को छोड़ छाड़ के गांधी जी के बिलीव पे चलते हुए घर के ओर चल दिए थे। अब देखो एक चीज़, हो सकता है कि पीछे से तुम्हें कोई शोर शराबा सुनाई दे,
उसके ऊपर ध्यान मत देना। क्या करें यार, बगल की आंटियाँ समझते हो घर घर की कहानी, आके डिस्टर्ब करते रहते हैं। डिस्टर्ब नहीं कहूँगा, मम्मी के साथ डिस्कशन करता रहता है। और तुम मना नहीं कर सकते, मेरे पास कोई पर्सनल रूम है ना, स्टूडियो है। चिंता मत करो, मेरे शादी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहे, अपना ही कोई चॉकलेट कर रहे होगे, ऑब्वियस सा बात है। आंटियों का काम क्या होता है पता है तुम्हें। खैर यार, हम अपने पढ़ाई पे फोकस करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है और मेरे पास ऑप्शन है नहीं। ऐसे ही काम चलाओ, तो अगर कोई बैकग्राउंड से साउंड आए तो उसे ऐसे इग्नोर करो जैसे तुम अपने टीचर के एडवाइस को इग्नोर करते हो। तो देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ये जो स्वराज मूवमेंट बंगाल के अंदर में चला था ना, उसमें किस टाइप का फ्लैग का इस्तेमाल किया गया था और उसके अंदर के फीचर्स को बताओ। तो किस टाइप का फ्लैग था बोले तो ट्राई कलर फ्लैग था, ठीक है। अब फीचर्स क्या क्या है, पहला तो इसके अंदर में तीन कलर्स है, ट्राई कलर मैंने बोला ही है, रेड ग्रीन एंड येलो। देखो तुम टेक्स्ट के ऊपर देखना ही मत, डायग्राम देखो तुम्हें ऐसे याद हो जाएगा। ये है वो फ्लैग जो कि स्वराज मूवमेंट बंगाल के अंदर जो पहली बार हुआ था वह इस्तेमाल किया गया था। तो देखो यहाँ में तीन कलर्स है, ग्रीन है, येलो है, रेड है, पहला चीज़। उसके बाद देखो यहाँ एट लोटस है, और देखो यहाँ में तीसरा चीज़ देखिएगा मून, एक फुल मून है, एक हाफ मून है। ये दोनों सिम्बलाइज कर रहे हैं हिंदू एंड मुस्लिम्स को। हाफ मून इज़ फॉर मुस्लिम्स एंड फुल मून इज़ फॉर हिंदूज, समझ गए। अब देखो तुम्हारे पास अगला क्वेश्चन, जहाँ पूछा गया है कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ना, इसे गांधी जी ने क्यों बंद कर दिया। तो पहला चीज़ तो देखो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इतना जोरों शोरों से बढ़ रहा था, अंग्रेज़ों के इससे डर लग चुका था। तो अंग्रेज़ों ने क्या करना शुरू कर दिया, जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे ना, उन्हें अरेस्ट करना शुरू कर दिया एक के बाद एक। अब इसे देखते हुए लोगों को गुस्सा आना शुरू हो गया, तो थोड़ा बहुत यह वायलेंस हुआ। अब यहाँ तक तो ठीक ही था, बट जब गांधी जी का एक बहुत ही बड़े फॉलोअर अब्दुल गफर खान को अरेस्ट कर लिया ना अंग्रेज़ों ने, तब तो ये ज़्यादा ही कुछ सीरियस हो गया मैटर। और साथ ही साथ गांधी जी को भी अंग्रेज़ों ने अरेस्ट कर लिया था। यहाँ तक कि गांधी जी को ही नहीं, जो भी लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, चाहे वो वुमेन्स हो, चिल्ड्रन हो, उन्हें भी ब्रूटली मारा गया और पकड़ पकड़ के जितना हो सके जेल में डाल दिया गया या फिर लाठी चार्ज किया गया। कहा तो ये भी जाता है कि 1,00,000 लोगों से भी ज़्यादा लोगों को अंग्रेज़ों ने जेल पर डाल दिया, क्योंकि अंग्रेज़ों को इस चीज़ का डर था कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ना, ये अगर ऐसे ही फैलता रहा ना तो यार प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अंग्रेज़ों के पास एक ही ऑप्शन था, ब्रूटल क्रैकडाउन, यानी कि जो भी करना हो, साम दंड भेद, बस इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोको। तो अंग्रेज़ों ने किस रास्ते को चुना, दंड, यानी कि डंडा, लाठी, जो भी हो सके उसका इस्तेमाल करो, इस मूवमेंट को क्रैकडाउन करो। तो इतना वायलेंस हो चुका था, तो गांधी जी ने सोचा कि इस समय इस मूवमेंट को बंद ही कर देता हूँ। तो इसके वजह से गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद कर दिया। अब देखो इसी से अगला क्वेश्चन, दोनों सेम ही है क्वेश्चन, ठीक है, कि अंग्रेज़ों ने जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसे कैसे सप्रेस किया, दबाया कैसे, अच्छा खासा जो मूवमेंट चल रहा था इस मूवमेंट को अंग्रेज़ों ने कैसे बंद करवाया। बंद किया मतलब देखो, गांधी जी ने बंद तो किया, बट अंग्रेज़ों ने मजबूर किया उन्हें बंद करने के लिए, क्योंकि अंग्रेज इतना ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे लोगों के ऊपर। गांधी जी से देखा नहीं गया, गांधी जी को पता था कि ऐसे अगर चलता रहा तो लाखों लोग मरेंगे, और गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। तो गांधी जी ने ना चाहते हुए भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करवा दिया। तो देखो यहाँ में भी वो सेम चीज़ रिपीट हो रहा है, तुम देख सकते हो। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके का रोल निभाया है हमारे देश के वुमेंस ने आज़ादी के लिए, और इसमें कांग्रेस क्या सोचता था वुमेंस को लेके। तो देखो वैसे तो कांग्रेस ने दिखाने लायक के लिए कुछ वुमेंस वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशन जो कांग्रेस है उसके अंदर में डाला हुआ था, बट बी ऑनेस्ट, गांधी जी तक का भी यही मानना था कि वुमेंस जो होते हैं ना, उनका काम ये है कि घर को संभाले, अच्छा एक माँ बने, अच्छा पत्नी बने, दैट्स इट। तो तुम कह सकते हो कि कांग्रेस का जो नज़रिया था ना वुमेंस का पार्टिसिपेशन को लेके, वो बहुत ही मतलब नैरो माइंडेड था। बट देखो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, फिर जब साल्ट मार्च हुआ, यहाँ हमें देखने मिला कि घर के जो वुमेंस थे वो भी बाहर निकले, अपने देश के लिए उन्होंने भी सोचा कि भाई साहब हमें भी कुछ करना है। और तब जाके गांधी जी को भी समझ आया कि देखो, चाहे वुमेंस हो या मैंस हो, हमें तो लोग चाहिए जो कि देश के लिए मर मिटे, तो चाहे वुमेन मैन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो बात। बट देखो यहाँ में भी प्रॉब्लम यही था कि जितने भी वुमेंस इस मूवमेंट पे पार्टिसिपेट कर रहे थे ना, वो बड़े बड़े अमीर क्लासेस से थे, रिच हाई क्लासेस से थे, गरीब वुमेंस ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। और देखो तुम इसके लिए उन्हें मतलब ब्लेम भी नहीं कर सकते, पता है तुम्हें गरीबी में कैसा ज़िंदगी होता है, अपने बच्चों को संभालेंगे या फिर देश को संभालेंगे, फैमिली ज़्यादा ज़रूरी है। तो तुम देखोगे पूरा इंडिपेंडेंट का जो लड़ाई है उसमें गरीबों का पार्टिसिपेशन
शुरुआती तौर पे बहुत ही लिमिटेड था, बट एक समय के बाद गरीबों ने भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, क्योंकि देखो अगर देश नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। सबको जब ये चीज़ समझ आया ना, तब कोई गरीबी कोई अमीरी नहीं हुआ। देश बचाना है तो अंग्रेजों को भगाओ। अंग्रेजों को भगाने के लिए गरीब अमीर सबको साथ आना पड़ेगा, एज ए इंडियन सोचना पड़ेगा। ना हिंदू ना मुस्लिम, ना गरीब ना अमीर, ना अपर क्लास ना लोअर क्लास, हम बस इंडियन है एंड वी वॉन्ट टू फ्री आवर कंट्री, दैट्स इट। तो यहाँ में भी तुम देख सकते हो, वुमेंस ने क्या किया, नमक बनाना शुरू किया, ठीक है, फिर जितने भी बाहर के सामान थे उन्हें भी बॉयकॉट किया, कई वुमेंस तो जेल भी गए, ठीक है। फिर यहाँ पे अब तुम्हारे पास अगला क्वेश्चन, यहाँ में क्या कहा गया, देखो मिडिल क्लास लोगों ने किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया। तो देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, याद रखना, जब भी कोई कंट्री में कोई जगह कहीं भी प्रॉब्लम होता है ना, तो सबसे पहले भड़कता है कौन पता है, मिडिल क्लास। क्योंकि देखो गरीबों को और अमीरों को ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं, अमीरों को तो वैसे ही फ़र्क नहीं पड़ता, गरीबों को फ़र्क पड़ता है, बट वो बोलने के काबिल नहीं रहते, तो वो बोलना नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि हमारे बात से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। बट तुम्हें पता, हम मिडिल क्लास लोग ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, उसके बीच अगर हमें थोड़ा भी छेड़ाछेड़ी करा गया ना, तो हम बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं। तो ये जो पहला नॉन कोऑपरेशन मोमेंट था ना, वहाँ भी हमें यही देखने मिला। सबसे पहले इसे सपोर्ट किया मिडिल क्लास लोगों ने, जितने भी शहर के मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने स्कूल कॉलेज को छोड़ दिया, टीचर्स हेडमास्टर्स इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया, जितने भी लॉयर्स थे इन्होंने भी अपना जो लीगल प्रोफेशन है इसे भी छोड़ दिया, और जितने भी छोटे बड़े पॉलिटिशियंस थे उन्होंने भी जो काउंसिल इलेक्शन था उसे बॉयकॉट कर दिया कि हम अंग्रेजों का कुछ नहीं मानने वाले। नॉन कोऑपरेशन, समझ रहे हो, नॉन कोऑपरेशन मतलब तुम्हारा कुछ नहीं मानने वाले हम, चले जाओ तुम यहाँ से। अब इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है, देखो जो दारू के दुकान थे सब बंद करवा दिया गया, क्योंकि इससे अंग्रेजों को पैसा मिल रहा था, और जहाँ भी अंग्रेजों को कोई भी बेनिफिट हो रहा है हमें वो नहीं देना था। फॉरेन जितने भी सामान थे उन्हें बंद करवा दिया गया। फिर हमने क्या करना शुरू कर दिया, इंडिया के अंदर ही जितने भी कपड़े बनाना शुरू कर दिया, और टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया हमने। अब देखो तुम्हारे सामने जो ये क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि जो ये जालियांवाला बाग इंसिडेंट्स हुआ है ना, इसका मतलब एक बैकग्राउंड बताओ, ठीक है, और यहाँ पे इनिशियली लोगों का रिएक्शन कैसा था। देखो जालियांवाला बाग इंसिडेंट्स का शुरुआत होता है रोलेट एक्ट से। अब देखो ये रोलेट एक्ट था क्या, तुम्हें पता है अंग्रेजों से लोग खुश नहीं थे और जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो अब इंडियन प्रोटेस्ट जगह जगह पे इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमारा मानना था कि हमारा कंट्री है तो हमें पावर दो। कहाँ पावर दो, पॉलिटिकल पावर दो, गवर्नमेंट सिर्फ तुम मत चलाओ, हम इंडियंस को भी जगह दो। बट इस रॉलेट एक्ट ने उल्टा ही किया, उल्टा जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रहा था ना उसे सप्रेस करने वाला काम किया था। तो इससे इंडियन लोग बिल्कुल नाराज़ थे, गांधी जी नाराज़ थे, जितने भी पॉलिटिशियंस थे सब नाराज़ थे। तो गांधी जी ने और जितने भी पॉलिटिशियंस थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते इस रोलेट एक्ट के खिलाफ। सब कुछ चल रहा था, लोग जगह जगह पे नॉन वायलेंस तरीके से बैठे हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। बट इसी बीच क्या होता है, मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। अब मार्शल लॉ में क्या था कि अगर मार्शल लॉ कोई जगह पे लग गया तो वहाँ पे कोई भी भीड़ भाड़ गैदरिंग प्रोटेस्ट ये सब नहीं हो सकता, समझ रहे हो। बट ये मार्शल लॉ जब लगा अमृतसर पे, उस समय पता है तुम वहाँ पे मेला वाला चल रहा था कुछ, तो लोग भीड़ भाड़ थे वहाँ पे और लोग कुछ प्रोटेस्ट भी कर रहे थे वहाँ पे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, ये जो जालियांवाला बाग है यहाँ लाखों लोगों को मार दिया, सीधा गेट बंद किया और एक वार्निंग दिया, फॉर्मल वार्निंग कि तुम लोग हट जाओ। तो लोगों ने कहा कि हम नहीं हटते, हम तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे, तो फिर गोली चला दिया, जहाँ प्रोटेस्टर्स भी मरे और जो फेस्टिवल में घूमने आए थे, बैसाखी मेला मनाने आए थे, उन्हें भी मरना पड़ा। और इनिशियल रिएक्शन किया था तो लोग इसके बाद इंडिया भर में भड़क चुके थे, सब गुस्सा थे कि भाई साहब अंग्रेजों ने ऐसा कैसे किया। तो अब क्या हो रहा था, जो नॉर्मल इंडियंस थे जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने भी वायलेंस करना शुरू कर दिया था। जगह जगह पुलिस स्टेशन को जलाया गया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को भी तोड़फोड़ किया गया, जला दिया गया, समझ रहे हो, क्योंकि तुम वायलेंस कर रहे हो तो हम भी वायलेंस करेंगे। और गांधी जी बीच में भी लाइक, भाई साहब मैंने कुछ कहा था तुम लोगों से नॉन वायलेंस, तुम भी वायलेंस करो, तुम भी वायलेंस करो, क्या बात है, हम तो चूतिए, बहुत अच्छा। खैर यार जोक सपाट। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि ये पूना पैक्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो पूना पैक्ट से क्वेश्चन आने का चांसेस है, तो तुम्हें मैं देखो यहाँ से तो तुम पॉइंट दिया है मैंने, तुम देख ही लोगे, मैं तुम्हें एक ब्रीफ हिस्ट्री बताता हूँ क्या होता है। देखो इंडिया में जितने भी बैकवर्ड क्लासेस थे, SC ST कम्युनिटीज़, ठीक है, जिन्हें लगता था कि देखो अंग्रेजों से आज़ादी तो चाहिए चाहिए,
साथ साथ में हमें ये जो कास्ट सिस्टम है ना, इससे भी आज़ादी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे समाज से, सोसाइटी से, जहाँ उनको बराबरी का हक नहीं मिल रहा था। अब जितने भी डिप्रेस्ड क्लास थे SC ST कम्युनिटीज़ के, इनका जो लीडर था कौन था, अम्बेडकर जी थे। और इनका डिमांड ये था कि हमें चाहिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट। इसका मतलब क्या है कि हमें एक अलग जगह दे दो जहाँ हम रहेंगे और हम ही लोग वोट करेंगे, जहाँ हमें दूसरे लोगों से कोई मतलब नहीं होगा। बट देखो, इस चीज़ से ना देश का बंटवारा हो सकता था। तुम सोच के देखो, जितने भी SC ST कम्युनिटीज़ के लोग थे वो क्या कहते, चलो हमें इंडिया के साथ रहना ही नहीं है, हम अपना ही कंट्री बना लेंगे। पहले सेपरेट इलेक्टोरेट का बात करते, फिर बात करते कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें रहना ही नहीं है इनके साथ। समझ रहे हो, अपने आप को अलग फील करते। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये तो मैं नहीं दे सकता। गांधी जी ने सिंपल से कहा कि तुम अगर ऐसा करते हो ना अम्बेडकर, तो इससे यार देश टूट जाएगा, और देश टूटने से अच्छा है कि मैं ही मर जाऊँ। तो गांधी जी ने क्या कर दिया, फास्टिंग शुरू कर दिया कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं भूखा ही मर जाऊँगा, सीधा बात है। तो कई दिन गांधी जी भूखे भी रहे, बट आखिर में अम्बेडकर थे समझदार आदमी, तो अम्बेडकर और गांधी जी ने ये चीज़ एग्री किया, नहीं सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, हाँ बट रिजर्वेशन दे रहे हैं। ठीक है, रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि देखो, एक जगह से कुछ सीट्स जो है रिजर्व रहेगा ST SC के लिए, वहाँ में वोट कोई भी डाल सकता है। तुम चाहे OBC हो, SC हो, हायर क्लास के हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो तुम, बट तुम वोट डाल सकते हो। बट कंडीशन ये है, जहाँ तुम बैठ रहे हो ना, अगर वहाँ रिजर्वेशन दिया हुआ है तो वहाँ में जो कैंडिडेट उठ के आएगा ना, वो कोई अलग क्लास का नहीं होगा। SC का है तो SC होगा, ST है तो ST रहेगा, तुम्हें वोट ST को ही देना पड़ेगा। तुम्हारे पास जो ऑप्शन रहेगा ना, वो ST या SC रहेगा, क्योंकि वो सीट्स उनके लिए रिजर्व है। तो इसी पैक को कहते हैं पूना पैक्ट। पूना के अंदर में गांधी जी और अंबेडकर जी ने ये चीज़ माना कि चलो, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, हमें रिजर्व सीट दे दो कुछ जगह पे, चल जाएगा इससे, दैट्स इट। अब इसके बाद देखो ये क्वेश्चन, ये मैं चाहूँगा कि तुम लोग करो, इसे काफ़ी बड़ा है और मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा। यहाँ मैं जितने भी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे, उन्होंने ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किस तरीके से पार्टिसिपेशन दिया है, नहीं दिया है, चाहे वो रिच पीजेंस हो, पुअर पीजेंस हो, बिजनेस क्लास हो, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हो, या फिर वुमेंस का पार्टिसिपेशन, सबका दिया हुआ एक बार पढ़ लेना, बस बहुत है। और आखिरी क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला चीज़ देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पहले आया था 1921 को, बट जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो आया था 1930 को। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लीड किया गया था मिडिल क्लास लोगों के द्वारा, बताया था मैंने थोड़ा पहले, बट जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इन्हें लीड किया गया था बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन के द्वारा। और जो कोर इशूज़ थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, वो था खिलाफत मूवमेंट, जो कि जिसके अंदर में मुस्लिम्स को भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पार्ट बनाया गया, और इसे बड़े तरीके से मतलब देश भर में फैलाया गया। जबकि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ना, यहाँ तुम देखोगे कि मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन था ही नहीं। तो ये एक डिफरेंस है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन देखने मिलता है बाय खिलाफत मूवमेंट, बट जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वहाँ पे तो मैं मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ था हिंदू महासभा का पार्टिसिपेशन, तो उस समय भी यही है कि एक जगह अगर हिंदू सपोर्ट कर रहा है तो उसे मुस्लिम सपोर्ट नहीं करेगा। तो यार हिंदू मुस्लिम की लड़ाई पे यहाँ देश पीछे छूट गया था, तो इसीलिए शायद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी इतना सक्सेसफुल नहीं था। फिर जो बात रहा कि इन दोनों मूवमेंट कैसे बंद हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हुआ था चोरी चोरा इंसिडेंट्स की वजह से, वायलेंस हुआ, गांधी जी ने कहा कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करो, तुमने मेरा बात नहीं माना। बट जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इसे गांधी जी ने बंद किया इसलिए क्योंकि उस समय के जो इंडिया के वाइसरॉय थे, उनके साथ गांधी जी ने साइन किया था गांधी इरविन पैक्ट, बराबर। इसके बाद जो आखिरी चीज़ है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में तुम्हें वुमेंस का पार्टिसिपेशन देखने नहीं मिलेगा, बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे तुम्हें वुमेंस का पार्टिसिपेशन भी देखने मिलेगा, बराबर। देखो बहुत आसान है, पहले डेट याद रखना, फिर याद रखना कि ये जो मूवमेंट है इसे किसने स्टार्ट किया था। तो नॉन कोऑपरेशन को स्टार्ट किया था मिडिल क्लास ने, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया था रिच क्लास या फिर बिजनेस क्लास ने। फिर मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन का बात रहा तो नॉन कोऑपरेशन में था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर नहीं था। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करवाया छोटे छोटे इंसिडेंट्स की वजह से, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कराया गांधी इरविन पैक्ट की वजह से, और वुमेंस का पार्टिसिपेशन नॉन कोऑपरेशन में नहीं था जबकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में था, बराबर। अब आखिरी क्वेश्चन जो मैं तुम्हारे लिए रख के जा रहा हूँ, इसका आंसर चाहिए मुझे, और जो देगा ना उसे मैं पर्सनली DM करूँगा।
तुम उससे बात कर सकते हो अगर ये क्वेश्चन का आंसर तुमने सही दिया तो। तुम्हें बस क्या करना है, आंसर देना है और अपना इंस्टाग्राम आईडी साथ में रख देना है, मैं तुम्हें डीएम करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये तुम्हारे पास, कब और क्यों गांधी जी ने फास्टिंग रखा था और इसका क्या आउटकम रहा था। देखता हूँ कौन अच्छी तरीके से जवाब दे पाता है, जिसका भी जवाब मुझे पसंद आया उन्हें मैं खुद डीएम करूंगा। तो ठीक है यार, उम्मीद है तुम लोगों को थोड़ा बहुत मदद मिला होगा। थैंक यू, लव यू ऑल।